20 साल पहले 1984 विच गांधी परिवार के कहते हुक्म से कांग्रेस लीडरशिप ने हजारा सिख भैन भरावान का कतलेआम किया, हजारा गुरु घर अग्नि भेट किया। इंसाफ देने की बजाय दोषियों सन्मानित किया जा रहा कांग्रेस तरफों। लुधियाना पहुंचे श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने सिख विरोधी दंगों को लेकर एक बार फिर तो कांग्रेस पार्टी को घेरिया है। वह सिख विरोधी दंगों के संबंध में लुधियाना के दुगरी रोड से स्थित गुरुद्वारा साहिब में आयोजित समागम में शामिल होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन कर रहे सन। सुखबीर बादल ने जिथे कांग्रेस पार्टी सिख विरोधी दंगों को लेकर घेरिया तो कहा कि इन हालातों लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार सी। उन्होंने पंजाब की कांग्रेस पार्टी की अगवाई में भी घेरिया। पेट्रोल डीजल के रेटा लैके सुखबीर बादल ने सूबा सरकार तो वैट घटाने की मांग की है। इसे तरह ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़ेंग वालों नजायज बसों पर की जा रही कार्रवाई से सवाल करद सुखबीर बादल ने कहा कि राजा वड़ेंग वालों हाले तक किसी भी कांग्रसी आगू की बस से कार्रवाई नहीं की गई। जे न्यूज पंजाबी लिए लुधियाना तो प्रदीप भंडारी की रिपोर्ट। 20 साल पहले 1984 गांधी परिवार के कहते हुक्म से कांग्रेस लीडरशिप ने हजारा सिख भैन भरावान का कतलेआम किया, हजारा गुरु घर अग्नि भेट किया। 37 साल इंसाफ देने की बजाय दोषियों सन्मानित किया जा रहा कांग्रेस तरफों। मैं आज इत्थे खंडपाट साहब के भोग रखे गए सी, पाठ रखे गए सी, भोग पाए गए सी। लगातार लुधियाने जिथे बहुत ज़्यादा परिवार 20-25 हज़ार परिवार जो पीड़ित 84 दे पीड़ित वो परिवार इत्थे बसदे आ, लगातार हर साल इत्थे अरदास बेनतियां होंदियां। मैं अज इत्थे अरदास बेनती शामिल होया। मैं तो कह सकदा कि सच्ची श्रद्धांजलि सिख पंथ वास्ते आ होगी कि जिहड़ी पार्टी ने सारा कुछ कराया, हजारां भैन भरावां अपने भैन भरावां नूं कतल कराया, उस पार्टी का बायकॉट होना चाहिए। उस पार्टी के बगैर किसी होर पार्टी नूं आपां सपोर्ट कर सकते हैं, पर उस पार्टी नूं नहीं जिहड़ा सच्चा सिख है। तो मैं पंजाब के मुख्यमंत्री जिहड़े 8 तरीक नूं स्पैशल सैशन बनाया गया, उस दिन एक स्पैशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए पंजाब की असैम्बली नूं कि पंजाबी जो कतलेआम 84 च होया उन्हूं स्ट्रोंगली कंडेम करते हैं। गांधी परिवार के खिलाफ जिन्हां दे हुक्म ते आ कतलेआम किया उन्हां खिलाफ केस रजिस्टर होना चाहिए। टाइटलर वर्गे सारे दोषी अंदर होने चाहिए है, तो जिन्हें होर कातल इनवॉल्व है उन्होंने अंदर किया जाए। आ रेजोल्यूशन पास होना चाहिए पंजाब की असैम्बली। जे हिम्मत है कांग्रेस की, जे उन्हां विच जिहड़े अपने पंजाब दे दर्द है, कौम दा दर्द है, उन्हां विच अपना खून है, जे हिम्मत है तो आ रेजोल्यूशन जरूर लैके आउण। श्रोमणी अकाली दल दे MLA आ रेजोल्यूशन लैके आउणगे, आ यूनैनमसली पास होना चाहिए। दूजी गल, जिहड़े बेचारे परिवार है जिन्हां दा 37 साल इंसाफ नहीं मिलिया, परमात्मा मेहर करे सरकार बने। मैं इन्हां नूं विश्वास दवाया एक तो इन्हां दा वेलफेयर बोर्ड बनाया जाऊगा जिहदे राहीं अपनियां जिन्नियां भी इन्हां परिवारां दी समस्या वो आप ही फैसला करके उत्थे हल कर सकन। एक स्पैशल फंड एलोकेशन होगा जिहड़े उस बोर्ड विच अपनी मदद कर सकन। जिहड़ी इन्हां दे मसले है, नौकरी का मसला है, जिहड़े इन्हां दे मकानां दे मसले है, वह असी पहली कैबिनेट मीटिंग हल करावांगे। तो अज मैं एक होर बेनती करना चाहना है पंजाब दे सरकार नूं,
सेंटर सरकार ने 10 रुपये लीटर डीजल 5 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता किया है। बाकी सारिया ही काफ़ी सूबे ने 10-10 रुपये घटाते हैं। सो पंजाब सरकार नूं इमीजिएटली अज अनाउंस करना चाहिए 10 रुपये लीटर डीजल ते 10 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता किया जाए। आ सारे पंजाबी डिमांड करते हैं इस पंजाब की सरकार नूं। पंजाब की सरकार ने आप कहा कि साढ़े को खजाना भरया, जे खजाना भरया तो जिन्हें वड्डे टैक्स लाए है, सेंटर ने लाए सी टैक्स, असी उन्हां दी निंदा कीती सी, पर अज उन्होंने 10-10 रुपये रिलीफ दी है। जिहड़े पंजाब दी सरकार ने टैक्स लाया है दूजिया सूबे ने घटाते, पंजाब दी सरकार इमीजिएटली 10 रुपये लीटर डीजल ते 10 रुपये लीटर पेट्रोल घटाए। मैं इन्ना ही कहना चाहना, जिस इंसान ने झूठ के बुनियाद पर पंजाब की सरकार बनाई, पंजाब का बच्चा बच्चा जानता है, पंजाब का जानता है कि इन्हें झूठ बुलाना है। अज विश्वकर्मा दिन है, मैं अज आ भी ऐलान करना कि जदों साड़ी सरकार आएगी विश्वकर्मा जी महाराज के नाँ ते एक स्किल डिवेलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाई जाऊगी लुधियाने इत्थे नेड़े तेड़े, जिहड़े नाल हज़ारां नौजवानों नूं स्किल डिवेलपमेंट की जाऊगी, भावें मेसनस है भावें टैक्नीकल है, क्योंकि अज लोड़ है वो जे स्किल्स की जिहदे विच जॉब क्रिएशन हो, जॉब इंप्लीमेंटेशन हो। एक बहुत वड्डी यूनिवर्सिटी उन्हां दे नां ते होगी जिहदे नाल आप नौजवान अगली पीढ़ी तो तैयार कर सकीए, वो जी स्किल्स नाल जिहदे नाल अपने पैरां ते खड़े हो सकन। देखो कितने दिन होता है वो मिसाइल मिसगाइडेड है, डिगेगी, अब तैयारी कर रही है, अभी तो लॉन्चिंग कल तैयारी कर रही है, लॉन्च होने वाली है। तुसी एक गल दसो उन्हें कीता की है, कि किसी कांग्रेस के किसी भी बंदे की बस पड़ी है, उन्होंने की किया, उन्होंने क्या रिटन ऑर्डर सी कि कोरोना दे विच तुसी 50% ऑक्यूपेसी दी चलाओ, मतलब की है टैक्स 50% लगेगा या घट लगेगा, तो किस वास्ते फड़ रहे हैं? एक भी बस जी फड़ी है वो बगैर परमिट तो नहीं है, इलीगल। मैं उही कहना चाहना कि सर मनप्रीत सिंह बादल दी बस है फड़ी है, कि ढिल्लों की बस फड़ी है, कि उन्होंने फड़ी है, कल्ला पोलिटिकल। मैं ताइयों अज तक नहीं मैं इशू ग्रेस किया, तो असं परवाह ही नहीं करते, जो करना चाह करना पूरा कर लैन।